हेलो दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन देखने वाले कैड में जॉइंट कमांड चम्फर फिल इट एंड एक्सप्लोर, तो ये चार कमांड आज अपन देखने वाले दोस्तों। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक। अभी समझो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिया। अभी ये लाइन दिखने में आपको एक दिखाई देगी, लेकिन ये अलग अलग लाइन्स है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये आपको मल्टीपल में सिलेक्ट होती है, आपको दिखाई दी। अभी इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उसको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन कमांड है। मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, हर एक लाइन के पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन क्लिक करूँगा, तो ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी और एक लाइन बन जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपके पास पार्ट में लाइन से और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास ज्वाइन कमांड है। ज्वाइन में क्लिक करना है और आपको सिंगल सिंगल जो लाइन के पार्ट्स है उसको सिलेक्ट करते जाना है। जैसे सब पार्ट आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको राइट बटन क्लिक करना है, तो ये आपका लाइन ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा कमांड है चम्फर कमांड। अभी एक समझो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐसे यहाँ पे चम्फर डालना है। चम्फर का मतलब होता है यहाँ पे जैसे मुझे क्रॉस डालना है, कॉर्नर को क्रॉस करना है, तो मैं चम्फर के ऊपर क्लिक करूँगा, डी टाइप करके एंटर दबाऊंगा, डी फॉर डिस्टेंस, फिर फर्स्ट चम्फर डिस्टेंस मैं यहाँ पे डालूंगा, समझो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 50, फिर सेकंड चम्फर डिस्टेंस डाल देता हूँ यहाँ पे मैं 75, और जहाँ पे मैं फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा वो 50 डिस्टेंस में कट हो जाएगा और सेकंड होगा 75 डिस्टेंस में। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये क्रॉस हो गया। तो इसी तरह से आप चम्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चम्फर के ऊपर क्लिक करना है, डी टाइप करके एंटर दबाना है, डी फॉर डिस्टेंस, फिर आपको फर्स्ट चम्फर डिस्टेंस डालना है, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 200 डाल देता हूँ, फिर सेकंड डाल देता हूँ 250। चाहे तो आप दोनों भी सेम डाल सकते हैं या दोनों अलग अलग डाल सकते हैं। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वो 200 में कट हो जाएगा और सेकंड मेरा 250 में कट हो जाएगा। अगर इसको आप नापोगे तो आपको पता चलेगा ये अब एग्जैक्ट, तो देखो ये 250 का डिस्टेंस आपका आ गया है। तो इसी तरह से आप चम्फर डाल सकते हैं। चम्फर में और एक टाइप है, जैसे आप चम्फर के ऊपर क्लिक करोगे, ए टाइप करके एंटर दबाओगे, ए फॉर एंगल, और फर्स्ट आप चम्फर डिस्टेंस डालोगे, समझो आपने डाल दिया 250, और फिर आपने एंगल डाल दिया 35। तो जहाँ पे आप फर्स्ट क्लिक करोगे वो 250 में लाइन कट हो जाएगी, और कितने एंगल में कट हो जाएगी तो ये 35 एंगल में कट हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एंगल है ये 35 का एंगल रहेगा। ये आपका 35 का एंगल। तो दोस्तों इसी तरह से आप चम्फर निकाल सकते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, चम्फर के ऊपर क्लिक करोगे, डी टाइप करके एंटर दबाओगे, और फिर आप चम्फर डिस्टेंस डालोगे 100, सेकेंड डालोगे 150, और जहाँ पे आप फर्स्ट लाइन को क्लिक करोगे और सेकेंड लाइन को क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो उतना चम्फर बन जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे फिलेट यूज करना है तो यहाँ पे नीचे फिलेट कमांड है, फिलेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आर टाइप करके एंटर दबोगा, आर का मतलब होता है रेडियस, और जहाँ जिस कॉर्नर में मुझे फिलेट निकालना है तो रेडियस डाल के मुझे एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं रेडियस डाल देता हूँ 150 का, और जिस कॉर्नर के ऊपर मुझे फिलेट निकालना है या डालना है तो उस कॉर्नर को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएगा। तो इसी तरह से फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलेट के ऊपर क्लिक करके आर टाइप करके एंटर दबाना है, फिर आपको डालना है रेडियस, वापस करेंगे, फिलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आर टाइप करके एंटर दबाएंगे, 250 एंटर करेंगे रेडियस, और इस कॉर्नर को क्लिक करेंगे तो आपका ये फिलेट बन गए।
तो इसी तरह से फिलेट का इस्तेमाल होता है। फिलेट इसी तरह से भी निकाल सकते हैं और फिलेट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। समझो यहाँ पे मेरा एक सर्कल है और यहाँ पे भी मेरा एक सर्कल है, ये दो सर्कल के बीच में मुझे और एक फिलेट यूज करना है। तो यहाँ पे फिलेट के ऊपर क्लिक करके आर टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 200 रेडियस का फिलेट, और ये दो सर्कल को मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे बीचों बीच और एक फिलेट आ जाएगा, ये राउंड। तो ये आपका फिलेट है और ये आपका रहेगा 200 रेडियस का। तो इसी तरह से भी आप फिलेट निकाल सकते हैं दोस्तों। और एक कमांड है एक्सप्लोर, जैसे अभी मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और इसको मुझे सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो मैं एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लाइंस सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो जाए। अगर इसको चाहता हो कि मुझे कंबाइन करना है तो यहाँ पे मुझे रीजन कमांड है, जिससे मैं क्या करूँगा इसको वापस कंबाइन कर सकता हूँ। रीजन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करूँगा तो ये वापस कंबाइन हो जाएगा। अगर इसको वापस मैं दोबारा अलग करना चाहता हूँ तो मैं एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक्सप्लोर से ये अलग अलग हो जाएगी। या तो समझो मैं पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये पॉलीलाइन मुझे सेपरेट सेपरेट करना है या अलग अलग करना है, जैसे अभी एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर इसको मैं अलग अलग करना चाहता हूँ तो एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लाइंस अलग अलग सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे नॉर्मल लाइन में ये कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरह से भी आप एक्सप्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट ब्लॉक में जब ब्लॉक इंसर्ट करते तभी भी आप एक्सप्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यही वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वापस एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।